What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. Let's make some delicious paneer shawarma. तो shawarma usually तो meats का बनता है, पर आज vegetarian version बना रहे हैं पनीर shawarma. काफ़ी सारे requests आए हुए हैं और इस वीडियो में मैं आपके साथ कई सारी recipes share कर रहा हूँ. सबसे पहले बिना oven के और बिना yeast के pita bread, एकदम fully perfect pita bread कैसे बनाते हैं उसकी recipe share कर रहा हूँ. उसी के साथ में एकदम delicious वाली hummus, hunkered garlic dip, hot sauce, बीटरूट एंड कैरेट पिकल और शौरमा के अंदर जाने वाला ग्रिल्ड पनीर, ये सारी रेसिपीज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ. बहुत ही डिलिशियस पनीर शौरमा बनता है, रोल बनता है. लेट्स डू हमारा नो ओवन नो ईस्ट वाला डो रेडी हो गया है. यूजुअली तो पीटा ब्रेड ईस्ट वाली बनती है, मैंने पहले उसकी रेसिपी शेयर की हुई है चैनल पे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ. अगर आप कंफर्टेबल हो ईस्ट यूज़ करने के लिए तो आप ये रेसिपी ईस्ट से भी बना सकते हो, बहुत डिलिशियस बनती है. पर ये वाली भी जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट पीटा ब्रेड बनेगी, आप देखोगे लेटर इन दिस वीडियो जब हम पीटा ब्रेड को पकाएंगे तब. सिंपल चीज़ें हैं, डो को आपको बहुत अच्छे से गूंदना है, 10-15 मिनट तक अच्छे से उसको नीड करें तो आपकी पीटा ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी. इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही यूज़ करो, बहुत अच्छी बनती है. और आज बेस्ट पार्ट ये है, हमने मैदा और गेहूं का आटा दोनों यूज़ किया है. आप सिर्फ मैदे के साथ भी बना सकते हो, व्हीट फ्लावर ऐड करने से थोड़ी सी और सॉफ्ट बनती है पीटा ब्रेड. मैंने ट्रायल्स करके देखे और ये परफेक्ट रेसिपी है, ऐसे ही बनाइएगा. अभी इसे डो को हमको रेस्ट करना है अच्छे से कम 1 घंटे के लिए, तो तब तक हम बाकी की जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो सारे कॉम्पोनेंट्स रेडी कर लेते हैं. हमारी परफेक्ट क्रीमी और डिलिशियस हमस रेडी हो गई है. अब ये जो हमस की रेसिपी, मैंने जो चने यूज़ किए हैं वो बेसिक आपके जो काबुली चने होते हैं उसको सोक करके रखिए 5-6 घंटे के लिए और बाद में कुकर में सीटी देकर एकदम सॉफ्ट हो जाए तब तक पका लीजिए और फिर उससे आप हमस बना सकते हो. मैंने भी वैसे ही किया है, एकदम सिंपल रेसिपी है, बहुत अमेजिंग बनती है. काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि तहीनी क्या है, तो तहीनी की जो रेसिपी है वो सफ़ेद तिल को रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके बनाई जाती है थोड़ा ऑलिव ऑयल डालकर. तो वो जो रेसिपी है मैंने पहले ही चैनल पे शेयर की हुई है, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा. तो इसी तरीके से आप हमस बनाकर इसको फ्रिज में भी रख सकते हो, 1 हफ्ते तक चल जाती है अगर अच्छे से आप एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में इसको स्टोर करके रखें तो. और पीटा ब्रेड और हमस का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा लगता है. तो ये वीडियो से आप दो रेसिपीज़ फॉलो करके हमस और पीटा भी बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमें दो डिप्स बनानी है, गार्लिक डिप और हॉट सॉस बनानी है, वो बना लेते हैं। हमारे शौरमा के दोनों डिप्स रेडी हो गए हैं, गार्लिक डिप और हॉट सॉस। गार्लिक डिप जो है मैंने आज इजी तरीके से बनाई है, ये एकदम झटपट तरीका है बनाने का। इसको और एक तरीके से बनाया जाता है जिसे टूम कहते हैं, और वो सिर्फ गार्लिक और ऑयल के साथ बनता है। उसकी रेसिपी भी मैंने पहले चैनल पे शेयर की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। हॉट सॉस एकदम सिंपल रेसिपी है, ये स्पाइस ऐड करने के लिए बनाया जाता है शौरमा में। अगर आपको स्किप करना है, आप नॉर्मल स्रिराचा और चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हो। अगर वो यूज़ करना चाहते हो तो हॉट सॉस स्किप कर दीजिए, एक आपका जो कॉम्पोनेंट है वो आप कम बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हमें एक कैरेट और बीटरूट पिकल बनाना है जो शौरमा के अंदर ऐड करेंगे, वो पिकल तैयार कर लेते हैं। कैरेट और बीटरूट पिकल रेडी हो गया है। ये कैरेट और बीटरूट पिकल रोल्स के अंदर ऐड किया जाता है ऐसे शौरमा में, और साइड में भी सर्व किया जाता है। पर्सनली शौरमा में ये मेरा सबसे फेवरेट कॉम्पोनेंट है, मुझे कैरेट और बीटरूट पिकल बहुत पसंद है। मैं यूजुअली ऐसे भी अलग से खाता हूँ खाना खाते समय, और बहुत अच्छा लगता है, कई महीनों तक टिक जाता है। मैंने लास्ट टाइम बनाया था 3-4 महीने फ्रिज में रखा हुआ था, एकदम परफेक्ट था, लास्ट तक ख़राब नहीं हुआ था। तो आप एक बार बनाकर इसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। इसमें जो चिलीज़ भी होती हैं उसे भी शौरमा के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, तो आप बना सकते हो। अगर आपको पिकल नहीं पसंद है तो ये वाला आप जो कॉम्पोनेंट है ये भी स्किप कर सकते हो, और बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स बनाकर शौरमा ईजिली बना सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारा जो पनीर है उसे हमको मैरिनेट करके पकाना है, वो वाला स्टेप जो है वो देख लेते हैं। हमारा पनीर भी ग्रिल हो गया है। अभी पनीर को हमने बहुत बेसिक वाली मैरिनेशन लगाई है, इसी पनीर को आप बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हो। तंदूरी पनीर टिक्का बना सकते हो, पेरी पेरी पनीर बना सकते हो और उसके फिर शवरमा बना सकते हो। लेकिन मुझे ऐसे थोड़ा बेसिक मैरिनेट करना अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी सारे फिर हमस, हॉट सॉस, गार्लिक डिप, ये सब के फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए मैंने एकदम बेसिक मैरिनेशन रखी है। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अभी हमारे सारे कॉम्पोनेंट्स रेडी हो गए, सिर्फ एक आखिरी कॉम्पोनेंट बचा है, पीटा ब्रेड को हमको बेल कर पका लेना है। वो प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। आपने देखा पीटा ब्रेड कितनी परफेक्ट बनी है, एकदम अच्छे से फूलती है, एकदम सॉफ्ट बनती है, परफेक्ट पीटा ब्रेड्स बनती है ये वाली रेसिपी से। तो एग्जैक्ट ये रेसिपी फॉलो करके आप बना सकते हो पीटा ब्रेड घर पे। अवन में भी बन जाती है, टेम्परेचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। इसी तरीके से थोड़ी सी थिक रखिए तो अच्छी पीटा ब्रेड बनती है। बनाकर मॉइस्ट कपड़े में लपेट कर रखो तो ज़्यादा समय तक सॉफ्ट रहेगी। और इसी तरीके से आप पीटा और हमस भी बना सकते हो, पीटा पॉकेट्स बना सकते हो, क्योंकि ये वाली पीटा ब्रेड अच्छे से फूलती है तो पीटा पॉकेट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। छोटी बड़ी साइज़ की अलग अलग पीटा ब्रेड बनाओ, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हो। अभी हमारे सारे कॉम्पोनेंट्स रेडी हो गए हैं, लास्ट पार्ट असेंबल करना है शौरमा को। पनीर शौरमा असेंबल कर लेते हैं। हमारा पनीर शौरमा रेडी हो गया और बहुत ही इनक्रेडिबल बना है। मुझे पता है कि कॉम्पोनेंट्स बहुत सारे हैं, पर आप कुछ कॉम्पोनेंट्स यूज़ करके भी ये पनीर शौरमा बना सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पनीर तो बनाना ही है, साथ ही में वो गार्लिक डिप ज़रूर बनाना। हॉट सॉस स्किप करके चिली सॉस या सिराचा यूज़ कर सकते हो। पिकल अगर आपको पसंद है तो ज़रूर बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। और हमस भी आप स्किप आउट कर सकते हो। तो यूजुअली शौरमा में हॉट सॉस और गार्लिक सॉस, मेजरली गार्लिक सॉस पड़ती है, पर ये वेज शौरमा था इसलिए मैंने हमस ऐड किया, उसका एलिमेंट बहुत अच्छा लगता है। पर आप हमस को भी लीव आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आप पीटा ब्रेड बनाइए या बाहर से ले आइए। तो आपको अगर सारे कॉम्पोनेंट्स नहीं बनाने हैं तो एक दो कॉम्पोनेंट स्किप करके भी आप शौरमा बना सकते हो, बहुत अच्छा वाला। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसी लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this paneer shawarma recipe at your home. Cheers.